लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपने हमारे एक आदमी को गिरफ्तार किया है, मैं उसे लेने आया हूं। जब तक वो अपने गुनाहों के जवाब नहीं देता, हम उसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो एक मुजरिम है और सजा उसको मिलनी ही चाहिए। मुजरिम नहीं, मुजाहिदीन, क्रांतिकारी। ये क्रांति और जिहाद की बातों से आप सिर्फ मासूम आवाम को बहका सकते हो, लेकिन कानून की नजरों में आप सिर्फ आतंकवादी हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी जान ले सकता हूं इंस्पेक्टर, मगर वो आतंकवाद होगा, ये जिहाद, जिहाद है इंस्पेक्टर, जिहाद है। हमारे मकसद की पाकीजगी का सबूत चाहिए। अब देखते हैं कि अल्लाह किसके साथ है। हम ये बंदूक मेज पर रखकर इसे घुमाता है। अगर इसकी नली हमारी तरफ रुकी तो आप हमें मार दीजिएगा, और अगर आपकी तरफ रुकी तो तुम सब जानते हो कि कल मिनिस्टर यहां पर आ रहा है, वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। भाईजान, वो यहां इलेक्शन करवाना चाहता है, इस वादी इस जगह के मौजूदा हालात की तहकीकात करने आ रहे हैं वो। अगर यहां इलेक्शन करवा के क्या फायदा? इलेक्शन करवा के वो ये साबित करना चाहता है कि यहां सब कुछ ठीक है। अगर यहां इलेक्शन हुए तो बाहर के लोग, खास करके इंटरनेशनल प्रेस के लोग सोचेंगे कि हम सो रहे हैं और आवाम जागी है। लेकिन यहां सब ठीक कहां है? आवाम में दहशत है, वो देखेगा, समझेगा और चला जाएगा। नहीं, सरहद पार हमारे दोस्तों ने हमें खबर भेजी है कि मंत्री इलेक्शन के लिए जिद पर उतर आया है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो हम कमजोर नजर आएंगे, और ये मुझे गवारा नहीं है। मगर भाईजान, एक छोटा सा इलेक्शन। वक्त की शतरंज को समझो मुन्ना, हमारी जंग हम और मुल्कों की ताकत पर लड़ रहे हैं, जहां से हमें हमारा पैसा, हमारी बंदूकें, हमारी ट्रेनिंग हमें मिलती है। उन लोगों को नहीं लगना चाहिए कि हम ढीले पड़ गए। जितनी गोलियां उतनी लाशें, हथियार सस्ते नहीं देते। चाचू, माफ करना हबीब, कभी कभी थोड़ा थक जाता है हौसला भी। यही तो वो चाहते हैं चाचू, हमारी जंग को बातों के मैदानों में ले जाना। बातें, ख्याल, फलसफे, ये सब नामर्दी के हथियार हैं, इनमें हमें ट्रेनिंग नहीं मिली। नूरा, इस ऑपरेशन के लीडर तुम हो गए। ठीक है भाई, तुम्हारे साथ होंगे, साथ जाऊंगा। जबार, तुम। ये अच्छा। अशाद, तुम। ये अच्छा। सिराज, तुम।
यूसुफ तुम, अब्बास तुम, ये भाई जान, अफजल तुम, इलियास, इलियास कहाँ है? वो सरहद पार गया है रॉकेट लॉन्चर का सौदा करने। ठीक है तो फिर इलियास की जगह हबीब, इलियास की जगह मैं जाऊंगा। ऐसे ऑपरेशन का मुझे तजुर्बा है, मुझे जाने दो हबीब। चाचू इस ऑपरेशन में बहुत खतरा है। कितना खतरा है हबीब? पिछली बार से ज्यादा या अगली बार से कम? हबीब हम सबका एक एक का अंजाम तय है। अब और इंतजार नहीं कर सकता हबीब। ठीक है चाचू, जाओ। कसीफ, नूरा जी भाईजान, सबका ख्याल रखना इंशाल्लाह। भाईजान चाचू को वहां भेजना ठीक रहेगा? तो फिक्र मत कर मुन्ना, जो शख्स हर वक्त अपनी मौत जी रहा हो वो अपना फर्ज बिना जुनून बिना खौफ निभाएगा। मैं चाचू को जानता। आपने उसके बारे में सोचा है? किसके बारे में? आप अच्छी तरह जानते हैं भाईजान मैं किसकी बात कर रहा हूं। DIG अजय ठाकुर, वो भी हमारी तरह तैयारी में होगा। DIG अजय ठाकुर, हम दोनों में इतनी दुश्मनी है मुन्ना कि शायद दोस्त बन चुके हैं। मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं और वो भी मेरे बारे में कम नहीं जानता। मगर इस बार मुझे लगता है मुन्ना बाजी हमारी है। इस कंपाउंड में कितनी पुलिस तैनात की है? 200 सर। बाकी सब बंदोबस्त हो गया? जी सर। और मंत्री साहब का कमरा देखा? देख लिया सर। चलो एक बार फिर देख लेते हैं, वन अपने बॉस आके कुछ ना कुछ नुक्स फिर निकालेंगे। चलो बाहर दरवाजे पे दो संतरी तैनात कर दो और लैंडिंग और कॉरिडोर में 4। अब दुश्मन तो क्या, मंत्री साहब भी कमरे में घुस नहीं सकते। जानते हो मुझे देख के क्या कहेंगे? क्या सब इंस्पेक्टर मुश्ताक चिश्ती? हम तुमसे बहुत खुश हुए, इतने सुरक्षित तो हम अपने घर में भी नहीं थे। जाओ जाओ पूरा चेक करो। और मिनिस्टर साहब मेरा प्रमोशन करवा देंगे, मुझे क्वार्टर्स मिलेगा जहाँ पर मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे। मंत्री जी खुदा हाफिज। लेकिन मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। साहब जी आप यहाँ पीछे के झाड़ कटवा दो जी, जी और इसे बंद कर दो जी जी। छत पर सब मशीन गन क्यों नहीं है? अभी रखवा देते साहब जी। सुनाओ जी। नहीं कुछ नहीं। क्या बात है साहब जी? सोच रहा हूं कि ऐसे माहौल में मंत्री जी का यहां आना क्या साबित करेंगे और हम भी क्या किससे साबित करेंगे? ये शांति का ठोंग रचाने से क्या टेररिस्ट भी ढकोसले में आ जाएंगे? सर आप हबीबुल्लाह के बारे में सोच रहे हैं ना, न जाने आपकी और उसकी दुश्मनी कहां जाके खत्म होगी। जब हबीबुल्लाह और उसका भाई मुन्ना हवालात में होंगे। आज क्यों रहे मुस्ताक? मुन्ना मुझे याद आ गए वो दिन जब मैं नया नया फोर्स में भर्ती हुआ था। अगर उस रात आप मेरे क्वार्टर्स में नहीं आते तो शायद ये मुश्ताक चिश्ती आपके सामने आज जो खड़ा हुआ नहीं मिलता। गद्दार अपने वतन के साथ गद्दारी करता है। गद्दार तो तू है मुन्ना। कुरान शरीफ में परवरदिगार फरमाता है कि मुसलमान जिस सरजमीन पर पैदा होता है उसी का वफादार होता है, वही उसका वतन होता है। मुन्ना को नसीहत करता है हरामजादे, अब भी वक्त है, हमारे साथ आ जा। खबरदार करता रहे हमें पुलिस की चालों से,
सवाब मिलेगा? सवाब तो मुझे तब मिलेगा मुन्ना, जब मैं अपने वतन पे, अपने फर्ज पे कुर्बान हो जाऊं और शहीद कहलाऊं। शहीद तो मैं तुझे करूंगा। जहां मेरी मौत तेरे हाथ में नहीं है मुन्ना, देखता हूं कौन तुझे मेरी गोली से बचाता है। ये मत भूलना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तूने हबीबुल्लाह के भाई पर गोली चलाई है, मैं हर दिन तुझे याद रखूंगा। हर दिन नहीं मुन्ना, जब तक तू जिएगा हर कदम पर मुझे याद करेगा। सर, मंत्री जी आ गए। वेलकम सर, आइए प्लीज। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू। हम सब आपका स्वागत करते हैं सर। आइए सर। डीआईजी अजय ठाकुर भाई, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, बहुत हिम्मत वाले हो सुना सर। बहुत खूब। वेलकम सर, आइए सर। हाँ प्लीज चलिए। आइए सर, आइए। सर अगर आप बुरा ना माने तो हमारे होटल का एक रिवाज है। अच्छा सर, अगर आपको एतराज ना हो तो वहाँ हमारे गेस्ट बुक पर दस्तखत कर देंगे प्लीज। क्यों नहीं? नहीं, मिनिस्टर साहब सीधे अपने कमरे में जाएंगे, बुक वहीं पे ले आना। रिलैक्स अजय ठाकुर साहब, आइए। सर अब हमारे होटल में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। हेलो कंट्रोल रूम, देखो अभी अभी दो मारुति वैन बिना नंबर प्लेट के 6 आदमियों के साथ होटल माउंट व्यू से निकली है। सारे रास्ते सील कर दो। मंत्री जी को कुछ नहीं हुआ ही सैफ। ओवर। साहब जी, मंत्री जी बुला रहे हैं। क्यों? आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अरे इतने टेंशन में भी भाषण देंगे? अगर तुम्हें भाषण सुनना तो तुम सुनाओ।